हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट फोर बिहार एक्साइज एसआई एग्जाम क्वेश्चंस एंड आंसर। तो देखते हैं, मैंने पहले वाले पार्ट में, पहले तीन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 75 तक बता दिया है क्वेश्चन आंसर के साथ। अब 76 से 100 तक का देखेंगे। तो लेट्स ये करंट और वोल्टेज का क्वेश्चन दे रखा था, इसमें रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, ये रेशियो जो था वो सीरीज वाले सर्किट का और पैरेलल वाले सर्किट के रेशियो निकालना था। तो इसका आंसर 1:4 होगा। इसमें आपको वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें वी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें कांस्टेंट दे रखा था ईएमएफ। इसमें आई स्क्वायर आर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, नहीं तो आंसर उल्टा आएगा 4:1। सो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, ये जेम्स रेनल होगा। क्वेश्चन नंबर 78 फूड चेन पूछा गया था, तो इसमें सही होगा ग्रास डियर लायन, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है। क्वेश्चन नंबर 79 था, ये CaSO4.2H2 पूछा गया था, क्या होता है, जिप्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 80 था, करेंटली टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा पूछा गया था, 245 है। टोटल स्ट्रेंथ 250 का, लेकिन अभी 245 है। 81st में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये कहाँ हुआ था पूछा गया, तो दुबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 ये पूछा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किस किस आर्टिकल के बेसिस पे, तो ये आर्टिकल नंबर 356 और 365। अगला क्वेश्चन है, ये 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, न्यू नेम ऑफ हैवलॉक आइलैंड, ये स्वराज आइलैंड रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 85 में दाचीगाम नेशनल पार्क में ये कंजर्वेशन, यहाँ पे हंगुल डियर का हम कंजर्वेशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, ये मिल्क से रिलेटेड है, डेयरी प्रोडक्ट। 87 IBSAMR, इसमें पूछा गया था कौन सा जो है नेवी इसका पार्ट नहीं है, तो म्यांमार इसका पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें अंग्रिया क्रूज शिप जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो ये अभी बॉम्बे से गोवा चलाया गया, मुंबई टू गोवा। क्वेश्चन नंबर 89 तो पूछा गया था सूरत स्प्लिट के बारे में, ये कब हुआ, तो ये 1907 में हुआ है, 1907 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 ये इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ग्रोथ हार्मोन प्लांट का नहीं है, तो ये एब्सिसिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में एब्सिसिक एसिड होगा इसका आंसर। फिर एक और पूछा गया था सिंह सभा मूवमेंट ये किस स्टेट में हुआ था, तो ये 1870s में हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। 92 में पूछा गया था क्वेश्चन में पाक स्टेट किसको किसको डिवाइड करती है, कौन कौन से दो कंट्री को, ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। 93 में पूछा गया था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है, तो बिहार में, तो इजी क्वेश्चन था। तो एक संग्रहित्री के बारे में पूछा गया था, ये टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होता था ये मॉडर्न पीरियड में, होता था वो ऑफिसर होता था, ट्रेजरी ऑफिसर होता था, लेकिन ये दूसरा संग्रहित पूछा गया था। महावीर वाज बॉर्न इन 540 BC होगा आंसर। मार्केटिंग टर्म किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आईपीएल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है, ये सिडबी ये किससे रिलेटेड है, ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, सॉरी इसका फुल फॉर्म पूछा गया था सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 98 स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एक्चुअली पूछा गया था कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है उसको किस बेसिस पे स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो ये सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। 99 था, IPL 2018 का विनर कौन है, तो ये चेन्नई था। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो भी क्वेश्चन है ये मतलब बहुत ज़्यादा भी ईजी नहीं है, ईजी मेडियोकर इसको कह सकते हैं कि ये मतलब न ज़्यादा टफ न ज़्यादा इजी है, लेकिन क्वेश्चन ठीक था। और इसमें कुछ को जो आर्टिकल्स रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल से, वो टफ क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज थे उसमें, तो उन सब क्वेश्चन को सही कर पाना टफ था। और कुछ कुछ मूवमेंट जैसे ये सब सिंह सभा मूवमेंट है, इन सब के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इन सब को सही गेस करना थोड़ा मुश्किल था। बाकी मतलब क्वेश्चन साइंस के भी एक थोड़ा वो जो रेशियो निकालना था हीट का वो एक थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लगाया है और उसका गलत आंसर आ रहा है,
वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था, तो और पिछले बार जो एसआई का एग्जाम हुआ है 2018 में, उसमें 1717 सीट होने के बावजूद उसमें मतलब कट ऑफ 109 था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार इसमें सीट तो बहुत कम है, 126 है इसमें, लेकिन उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 135 के आसपास उसका कट ऑफ होना चाहिए, 130 to 135 ये सेफ रहेगा। तो और वैसे भी कट ऑफ में एग्जैक्ट गेस तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए मतलब बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग आगे का तैयारी करते ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही फाइनल गेस करूंगा कट ऑफ कि 130 to 135 उसके अराउंड रहेगा कट ऑफ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे भी एग्जाम का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।